हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं छोले चावल और इसकी रेसिपी भी दिखाएंगे आपको कैसे बनाएंगे। इसमें बन रहे हैं छोले और ये चावल जो हैं हमने भिगो दिए थे 1 घंटा पहले, और साथ में हमने सोयाबीन भी भिगोई है और आलू भी। और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। वेज बिरयानी साथ में हम बनाएंगे छोले। छोले जो हैं हमने रात को भिगो के रख दिए थे और अब हमने उसको हल्का सा उसमें सोडा लगा करके उसको उबालने के लिए रख दिया है। आपको दिखाते हैं आज कैसे बनते हैं, कैसे छोले चावल बनते हैं और टेस्ट कितना बढ़िया हुआ इसका। और साथ में हम लहसुन को भी कूट रहे हैं, हमने इसको थोड़ा पानी में भिगो लिया था और लहसुन को कूट करके डालेंगे। और हम पहले प्याज भुनेंगे, प्याज हमने काट के रख लिए हैं। लहसुन को हमेशा इसी में कूटना चाहिए, और हम अगर मिक्सी के अंदर पीसते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है ना वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचते हो कि बढ़िया आएगा, नहीं आएगा। इसके अंदर कूटोगे तो ज़्यादा बढ़िया आएगा और टेस्ट भी भरपूर आएगा। तीन प्याज हमने काटे हैं मीडियम साइज के, और इसके बाद हम लगाते हैं तड़का। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद थोड़ी सी हल्दी, इसमें डालेंगे हम लहसुन को कूट के हमने रखा हुआ था, और लहसुन डालेंगे हम थोड़ा सा, आठ दस गिरी हमने कूट के रखी हुई हैं और वो हम डालने लगे हैं। पहले थोड़े से प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद आपको डालना है लहसुन कूटा हुआ, और जो उसके बाद जो टेस्ट आएगा वो वाकई में लाजवाब होगा। अब इसमें डालेंगे हम मसाले जो हमने पहले से डाल के रखे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा हल्का सा चलाएंगे, चलाने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी,
और कलर आएगा बहुत बढ़िया। अब पानी डालेंगे 4.5 गिलास पानी। अब इसमें आएगा थोड़ा सा उबाला, थोड़ा ढक देते हैं इसको, और ढकने के बाद इसमें आएगा थोड़ा सा उबाला। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोयाबीन, आलू, चावल, हरी मिर्च। अब हम लगाएंगे छोले में मसाला। जो ये मसाला हमने रखा हुआ है, ये हमने खुद घर पर तैयार किया है और इसकी रेसिपी भी हम आपको बताएंगे क्या क्या डाला है इसमें। मसाला लगाने के बाद छोले में हम लगाएंगे इसमें घी का तड़का, और इसको थोड़ा लिक्विड कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी भी इसमें डालेंगे, उबाल लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का, फिर इसका जायका देखना कितना बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाएगा, मस्त लगेंगे खाने में भी, वाकई में बहुत बढ़िया। अब हम मिलाते हैं गैस और साथ में छोले का तड़का लगाते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट देखना कितना बढ़िया हो जाएगा। तड़का लगने के बाद तो अलग ही फिर इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया।
जब तक चावल भी रेडी होने वाले हैं और साथ में चावल बन रहे हैं, चावल में भी लगेंगे अभी 10-15 मिनट और लगेंगे जब तक रेडी हो जाएंगे। और उधर से घी को तड़का लगाते हैं, छोले में तड़का लगाते हैं तो अपना घी डालते हैं, इसमें फॉर्चून का रिफाइंड डालते हैं और तड़का लगाते हैं। बस कुछ समय में बनने ही वाले हैं हमारे छोले चावल, एकदम रेडी होने वाले हैं। अब हम लगा रहे हैं छोले बन रहे तड़का, और जायका भी बढ़िया है। अब रेडी हो चुके हैं एकदम छोले, और आप देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, बढ़िया मस्त वाला। साथ में हमने डाला है गरम मसाला, और इससे बनेंगे एकदम टेस्टी बिरयानी, वेज बिरयानी। और साथ में हमने छोले बनाए हैं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा।
आप भी घर पे बना के देखो एक बार ट्राई कर जरूर करो। कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद मसाला डालने के बाद और 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। खाने के लिए हो चुके हैं रेडी छोले चावल चटनी और प्याज एकदम रेडी और हम खाने को हैं तैयार और हमें भी लग चुकी है भूख। अब हम लगे हैं खाने और हमें कुछ नहीं चाहिए बस यही खाते हैं छोले चावल। हम खा के बताते हैं आपको कैसे बने हैं कितने बढ़िया बने हैं खा के देखने के बाद ही पता लगेगा। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं और ऐसे आप भी बना करके घर पे खा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। बाय बाय फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।